विपक्षियों ने महिलाओं के ऊपर किया कुल्हाड़ी से हमला, फिर भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। एक परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। विपक्षियों ने कुल्हाड़ी से उस परिवार पर हमला किया। माँ और बहन का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन पुलिस ने मामले धाराओं में कार्रवाई करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। घायल महिलाओं का मेडिकल भी नहीं कराया गया। मामला डी थाना क्षेत्र के पूरे गोसाई का है, जहां पर रंजीत के घर में निर्माण कार्य चल रहा था। आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले विपक्षियों ने रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए उसमें ना लिखा होकर मना करने पर विपक्षियों ने परिवार की महिलाओं पर हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी से किए हमले में शिकायतकर्ता की माँ सुंदरा के पैर में कुल्हाड़ी से लगने से गंभीर चोट आई, जबकि बहन फूलमती के हाथ में कुल्हाड़ी मारी गई, जिससे वह घायल हो गई। बेटे राम बाबू का आरोप है कि पुलिस ने विपक्षियों के ऊपर मामले धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सिर्फ औपचारिकता पूरी की है, जबकि कुल्हाड़ी से हमला किया गया और गंभीर चोटें आईं। जानलेवा हमले में लगी मामले धाराएं पुलिस की कमी को दर्शाते हैं। जिला संवाददाता अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। अच्छा बता दीजिए भैया। मेरा नाम राम बाबू है। क्या मामला हुआ था भैया? सर मामला ये हुआ था कि हम घर पे थे नहीं, हम काम पे चले गए थे। काम पे जाने मतलब जाने के बावजूद उसके बाद यहाँ घर पे लड़ाइयाँ हुई। घर पे झगड़ा होने के बावजूद वे लोग बाहर से आदमी बुलवाते माता जी का पैर काट दिया और बहन का हमारे हाथ काट दिया और सर फाड़ दिया। हमारे पिताजी का उनका भी हाथ तोड़ दिया, हमारे भाई का हाथ तोड़ दिया और सर फाड़ दिया कुल्हाड़ियों से मारा और मरवा कर सारे आदमी भगवा दिया। उसके बाद जब हमारे पास छोटा सा बच्चा गया बताने, फिर वहाँ से हम भाग के आए। वहाँ से जब भाग के आए तो हमारे घर पे चार लोग बिल्कुल घायल पड़े थे, यानी मरने के कगार पे थे, उनकी कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ से फिर हम एम्बुलेंस को फ़ोन किए, उसके बाद एम्बुलेंस गई, वहाँ पुलिस वाले भी गए, थोड़ी बहुत लेडीजें भी गई, दो एक पुलिस वाले। उसके बाद जाने के बावजूद एम्बुलेंस बुलाया गया, वहाँ से लेके आए, पहले गए रोका अस्पताल, वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, फिर जिला अस्पताल लेके आए, यहाँ आए, यहाँ मतलब अपना इलाज करवाए। उसके बाद क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन जो गया था वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं किया। सिर्फ इतना बताया गया कि दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद जब हम एक दूसरे दिन वहाँ जब यहाँ से लेके गए अपने मरीजों को, तो वहाँ पूछने गए थाने में कि हमारी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही सर, तो वहाँ बोला गया कि दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद तुम लोग कहाँ थे, उनकी जमानत हो गई। फिर वहाँ हम पूछे कि सर मतलब ये जमानत कैसे हो गई, जब हम लोग मौजूद नहीं थे, हमारे घर में और कोई नहीं है, हम चार पांच आदमी हैं, पांच आदमी में चार तो घायल हैं, हम अकेले हैं, कोई यहाँ मतलब कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या बताया वहाँ पे? वहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, उनकी जमानत हो गई, बाकी चल के जो मुकदमा लिखा गया वही मुकदमा इनके ऊपर दायर हो गया। उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं, प्लस मतलब ऊपर से मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो इतना ही किया है, जो बच गए उनको भी मार के हम बहा देंगे, अभी भी मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन कौन लिख हो भैया? सर इसमें विश्राम, क्या कहते हैं, धर्मेश, सुनीता, हरकेश, बाकी बाहर के आदमी बुलवाए थे ये, बाकी इतने लोग आए, इनके इतने लोग इनके घर के थे, बाकी बाहर के आदमी 8-10 आदमी बुलवा के मरवाए, जो नात रिश्तेदार क्या है क्या नहीं है वो जानते हैं। उसके बावजूद अभी भी मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी कुल्हाड़ी से तुमको काट डालेंगे, मार देंगे जान से। कभी कभी भी कोई भी प्रशासन मुझे कोई भी सपोर्ट या कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है।